Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and me along with my team are once again present in front of you to give you one of the finest content for UPSC Civil Service Preparation. Namaskar dosto, mera naam Pratik Nayak hai. Main aur meri team aapke saamne fir se hazir hai for UPSC Civil Service Preparation aur jo aapke liye high quality content leke aa rahe hai on the Studio Rise channel jo UPSC को लेके YouTube के ऊपर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। खैर ये तो हमारी बात हो गई, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस ले लिए हैं, पर जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए नए जुड़े हुए हैं उनके लिए बता देता हूँ, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ द एनसीईआरटी कोर्सेज और एनसीईआरटी के अंदर ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड 7th एनसीईआरटी ऑन हिस्ट्री। और हिस्ट्री की स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी में अभी तक हमने प्रीवियस सेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है और वो पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस है यूपीएससी हिस्ट्री को लेके। और अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए नए जुड़े हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल्स के अंदर एक्टिव हूँ एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, और मैंने नंबर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने सर्विसेज के अंदर गाइडेंस दिया हुआ है, कोचिंग दिया हुआ है। साथ ही साथ आई ऑल्सो यूज टू वर्क इन द स्टेट सर्विसेज, बट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन माई टीचिंग एंड पैशन इन टीचिंग आई थॉट कि मैं आपको यहाँ पे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ, इसके लिए आपके साथ जुड़ गया हूँ। मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नए नए हैं और दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन फॉर फर्दर डिटेल्स के अंदर जिनको स्टडी करना है, ऐसे विद्यार्थी जिनको आगे और पढ़ना है उनके लिए मोस्ट वेलकम है टू कम एंड ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैं प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, और अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स 80 आवर्स का कोर्स है। यू कैन इमेजिन कि खाली दो दो घंटे के, 2 आवर्स ईच सेशन का मैं एक सेशन ले रहा हूँ, 2 घंटे का एक सेशन ले रहा हूँ, एंड दैट फॉर 80 आवर्स। टोटल 40 सेशंस आर देयर, दैट इंक्लूड्स द डाउट्स क्लियरिंग एंड ऑल्सो देर आर 8 क्विजेस, इसके ऊपर 8 क्विज भी है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव कराऊंगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई कोड, और जब आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करो तो आई रिकमेंड कि आप PN Live यूज़ कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं, मेरे अलावा आपको और भी एजुकेटर्स मिलेंगे जो अपने अपने प्लस के कोर्सेज वहाँ पे चलाते हैं, और आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, वन टाइम सब्सक्रिप्शन है दोस्त। विथ वन टाइम सब्सक्रिप्शन यू विल बी एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी एजुकेटर। तो एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया इट विल कम टू 40,000 रुपीज, और आपको हर एक एजुकेटर के अनलिमिटेड टाइम एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम वॉच मिलेगी, अनलिमिटेड टाइम आप उसके लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकते हो। ये प्लस का एडवांटेज है। PN Live कोड है मेरा, याद रखेगा, द नेम ऑफ द कोड इज PN Live। 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, अप्लाई कीजिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन के ऊपर एंड देन यू विल सी 36,000 रुपीज। ओके, तो रेफरल कोड है PN Live, अप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं करना है। 6 मंथ्स आर लेफ्ट माई फ्रेंड। आप सोचिए कि प्रिलिम्स को लेके आगे मेंस की स्ट्रेटजी को लेके कैसे चलना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हर एक चीज़ आपको प्लस के ऊपर मिल जाएगी। 2 ईयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। जो स्टूडेंट्स 2 ईयर्स के कोर्स को लेकर ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी PN Live है, एंड 64,000 इज द फीस। आपने अप्लाई किया PN Live, इट विल कम टू 57,600, तो इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। थिंक अबाउट दिस माई फ्रेंड, डेफिनेटली आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई विल मेक श्योर कि आपको हिस्ट्री की तैयारी अच्छी तरह से मिले। मेरे जितने भी आगे हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री आदि इत्यादि और भी सब्जेक्ट्स में वहाँ पे कराने वाला हो, वो सब का एक्सेस आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि अनअकैडमी प्लस इज़ लाइक अ सुपर मार्केट, एक बार चले गए आपको हर एक चीज़ के ऊपर एक्सेस मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके भी वहाँ पे एजुकेटर्स अवेलेबल है जो अपने अपने कोर्सेज चला रहे हैं। इन सब का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी प्लस के द्वारा मिल सकता है। आई रिकमेंड कि आप ऐप स्टोर के ऊपर जाइए,
अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, यूपीएससी सीएसई को गोल रखिएगा, सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन आपको ये पेज मिलेगा। आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स दोनों में से इधर और ले सकते हो। आई रिकमेंड कि आप मिनिमम 12 मंथ्स तो लीजिए सो दैट कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन के साथ तैयारी हो। और वहाँ पे भी आपको यही स्क्रीन मिलेगी, 40,000 रुपीज़ है। यू अप्लाई द कोड PN लाइव, जैसे ही अप्लाई किया थटैक्स है, आपको डायरेक्टली 36,000 के अंदर कंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंस है आपका जो अनअकैडमी प्लस के ऊपर है। खैर, ये तो प्लस की बात हो गई, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1 एनसीईआरटी के अंदर क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी और किस तरह से आगे चलता है। अब देखिए, चैप्टर 1 खाली एक ही चीज की बात करता है। इन द चैप्टर 1 वी गेट द डेवलपमेंट एंड द डिटेल्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। अब मिडिवल इंडिया की जो टाइमलाइन है वो क्या है, पहले वो आपको समझा देता हूँ। मिडिवल इंडिया की जो टाइमलाइन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 750 ऑनवर्ड्स एंड 750 के आसपास जब शुरू हुआ मिडिवल इंडिया, तो उसे अर्ली मिडिवल कहते हैं एंड इट गोज अप टिल 1750। तो द होल चैप्टर टॉक्स अबाउट एंड द होल बुक टॉक्स अबाउट दिस टाइमलाइन ओनली। ये चैप्टर के अंदर हमको सबसे पहले मिडिवल इंडिया के सोर्सेज क्या है वो पता चलता है, इंक्लूडिंग मिडिवल इंडिया के अंदर आपका मैपिंग कैसे होना शुरू हुआ वो भी पता चलता है, क्योंकि पहली बार अब इंडिया का मैप बनना शुरू हुआ वो भी पता चला। इंक्लूडिंग यही चैप्टर के द्वारा जब हमने सोर्सेज को पढ़ा तो हमको पता चला कि इंडिया का नाम जो हिंदुस्तान है वो किसने रखा था, ये हिंदुस्तान के नाम के जो मीनिंग है वो कैसे उभर के आए। इसके साथ साथ जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हमको वहाँ तक की जानकारी मिलती है। वी गेट द डिटेल्स अबाउट दैट मच थिंग प्रिसाइसली कि किस तरह से मिडिवल इंडिया में रिलीजियस चेंजेस हुए, इन सब की जानकारी हमको चैप्टर 1 देता है। अब चैप्टर 1 का सिग्निफिकेंस क्या है, तो 750 CE के आसपास इसका शुरुआत होना और धीरे 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 आपका 1750 तक पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। 750 के आसपास अगर आप देखोगे तो मिडिवल इंडिया को हम लोग तीन फेज के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वो था द पीरियड फ्रॉम 750 टू 1000 एंड द सेकंड विल बी 1000 टू 1200। ये जो पीरियड था इस दौरान आपके अर्ली मिडिवल इंडिया की शुरुआत हुई, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास जब ओवरव्यू दिया था वहां पे आपको बताया था कि अर्ली मिडिवल इंडिया में कन्नौज का सिग्निफिकेंस क्या था। इनफैक्ट इन दिस चैप्टर ओनली वी गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्नौज बाय वंस अगेन अ ज्योग्राफर जिसका नाम था इद्रिस, जिसने कन्नौज का मेंशन एक मैप के अंदर किया। इंक्लूडिंग 1000 से 1200 जो पीरियड था ये राजपूत पीरियड था, और मैंने आपको बताया था कि जो राजपूत किंगडम्स इंडिया के अंदर उभर के आए उनका क्या डेवलपमेंट रहा। ये चैप्टर के अंदर राजपूत का ओरिजिन कैसे हुआ और अदर डायनेस्टीज कैसे पावर के ऊपर है इसकी भी जानकारी मिली। 1200 के आसपास द राजपूत किंग्स वर डिफिटेड बाय गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान उनको हराता है। उसके बाद आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और आदि इत्यादि राजा आए, और कहते हैं कि इस तरह से इंडिया में इस्लाम और ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में भी यही चैप्टर की जानकारी मिली। ये चैप्टर के अंदर इस्लाम का ओरिजिन, इस्लाम का कैसे डेवलपमेंट हुआ वो भी हमको पता चला, और 1200 से लेके 1526 तक दिल्ली का सल्तनत रहता है उसकी भी जानकारी मिली। 1526 के बाद प्रिसाइसली आपके 1707 या मैं कहूँगा अप टिल 1750s तक का जो पीरियड था उस टाइम पे मुगल्स कैसे पावर के ऊपर आए उसकी भी जानकारी हमको पता चलती है, और इस दौरान किस प्रकार के पॉलिटिकल सोशल चेंजेस हुए इन सब की जानकारी मिली। ये चैप्टर को हम लोग सबसे पहले सोर्सेज के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मिडिवल सोर्सेज वर डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट सोर्सेज। अगर आपको जानकारी होगी तो ये जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहले सोर्सेज का ही जानकारी मिलता है। यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए तो अभी मैंने आपको मैप के द्वारा और जो टाइमलाइन के द्वारा बताया उसकी जानकारी मिलती है। किस तरह से आपका एम्पायर बना, किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आए, सोसाइटी में चेंजेस आए तो मिडिवल इंडिया में लैंग्वेजेस कैसे बदल गई, इंक्लूडिंग आपके रिलीजियस चेंजेस क्या है, और रिलीजियस चेंजेस के आधार के ऊपर हिस्ट्री को कैसे कैटेगराइज किया गया है, इसकी भी जानकारी हमको यही चैप्टर के द्वारा पता चलती है। ठीक है, तो जब हम लोग मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो मिडिवल इंडिया में हमको इतनी चीजें पहले तो सबसे ज्यादा पता चलती है। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें लिखी गई है, उसके बाद मैं आपको आगे ये चैप्टर की डिटेल समझाऊंगा। ये समरी है चैप्टर की, और ये चैप्टर की समरी को मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे डील किया जा सकता।
एंशियंट इंडिया में जब हमने पढ़ा था, जब गुप्ता हर्षवर्धन की बात कर रहे थे, गुप्ता और हर्षवर्धन कब थे, तो वो 750 से पहले हुआ करते थे अगर आपको याद होगा, तो देवर बिफोर द पीरियड ऑफ 750 अगर आपको याद होगा, तो गुप्ता हर्षवर्धन ये जितने भी किंग्स थे देवर बिफोर द 750 पीरियड। और कहा जाता है कि उसके बाद जो है वो आपका मिडिवल अर्ली मिडिवल की शुरुआत हुई, खास करके कन्नौज के लिए तीन डायनेस्टी फाइट किया करती थी अगर आपको याद होगा, तो मैंने बताया था गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एंड द पाल डायनेस्टी, एक बंगाल में थी, एक डेक्कन में थी, एक राजस्थान में थी। अगर आपने ना देखा हो तो आई रिकमेंड कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आइए। और कन्नौज का सिग्निफिकेंस के द्वारा और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसमें आपके हिस्टोरिकल राइटिंग कैसे डेवलप हुए उसकी जानकारी मिली। इन द एंशियंट इंडिया द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉइन्स इंस्क्रिप्शन एंड आर्किटेक्चर वॉज देयर। प्राचीन भारत के अंदर सिक्कों का इंपॉर्टेंस बहुत था, कॉइन्स के ऊपर जो मेटल, कॉइन्स के ऊपर राजा का जो चेहरा आता था, द फेस ऑफ द किंग, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस जो एपिग्राफ पत्थर के ऊपर लिखे जाते थे अगर आपको याद होगा, और आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग के ऊपर लिखा जाता था, अशोक ने तो पिलर्स के ऊपर लिखे, उन सब का चेंजेस होना शुरू हुआ। और मिडिवल एरा तक आते आते आपका टेक्सचुअल रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड का मतलब यह है कि किस तरह से लिखा पट्टी की शुरुआत होगी। अब प्रश्न आता है टेक्सचुअल रिकॉर्ड कैसे बढ़ा, तो करीबन 9th century या 8th century के आसपास का पीरियड था, मैं कह सकता हूं कि इट वॉज अराउंड द पीरियड ऑफ 9th century। 9th century तक आते आते आपके पेपर का डेवलपमेंट हो चुका था, कहां पे पेपर का, पत्तों का डेवलपमेंट हो चुका था, पेज। और जो पेपर का डेवलपमेंट हुआ वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ आना भी शुरू हो जाएगा। इंडिया के अंदर ऑलरेडी उस टाइम पे क्लॉथ मतलब कापड़, जो आपका कपड़ा है, इंक्लूडिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे क्लॉथ के साथ साथ विद इन इंडिया वी ऑल्सो फाइंड द यूज ऑफ द मेटल प्लेट्स, इंक्लूडिंग वी फाइंड द यूज ऑफ लीव्स, पत्तों का, इन सब का उपयोग करके अपनी अपनी कहानियां लिखी जाती थी। और ये जो कहानी लिखते थे उसी को ही हम लोग कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या कहते हैं बेटा? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मिडिवल इंडिया के अंदर हमको जानकारी मिली कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेगा तो पेपर के ऊपर लिखना भी शुरू हो गया, क्योंकि पेपर का डेवलपमेंट हो चुका था। मैंने बताया चाइना से पेपर का शुरुआत होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इन द मिडिवल एरा एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री अलग अलग प्रकार के मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे गए, रिलीजियस बुक्स लिखे गए, राजा का इतिहास लिखा गया, टीचिंग्स लिखे गए, सेंट्स के टीचिंग्स लिखे गए, राजा के वहां पे किसी ने लेटर लिखा था वो लिखा गया, फॉरेनर्स आए थे उन्होंने अपने इंडिया के बारे में लिखा। ये सब के सब सोर्सेज आपके मिडिवल एरा के अंदर यूज होने शुरू हो जाते हैं। ऑल दिस सोर्सेज वर यूज इन द मिडिवल एरा। और इस तरह से जब हम लोग मिडिवल एरा की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है, और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो हमको फाइनेस्ट सोर्सेज के रूप में उभर के आए। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखाने के लिए एक स्पेशल प्रकार के स्क्राइब्स हुआ करते थे। स्क्राइब्स का मतलब ये था कि एक राइटर हुआ करते थे, और ये राइटर लोग जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी उसी में से ही उसका एक कॉपी भी बनाया करते थे। समझ में आ रहा है? तो आप समझने की कोशिश करो कि आज एक पहला मैन्युस्क्रिप्ट किसी ने लिखा है, इफ समवन हैज रिटन अ मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये ओरिजिनल कॉपी है, उसी में से ही आपको एक दूसरा कॉपी बनाना है, द फर्स्ट कॉपी, तो यू विल सी। तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसके लिए जो राइटर्स थे उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके आधार के ऊपर हमको अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पता चला। जैसे मैं कह सकता हूं द डायनेस्टीज ऑफ द मुगल्स, द डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के दौरान आपके 5 डायनेस्टी आए, द स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश की थी द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बेटा वो कौन सी थी, दैट वॉज द खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तीसरी थी तुगलक डायनेस्टी, इंक्लूडिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगी सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद आपको कौन सी मिलेगी बेटा, लोधी डायनेस्टी। और जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट थे
उसमें राजा, अमीर इंसान, उस टाइम पे जो भी मिनिस्ट्रीज बनती थी, टेम्पल्स बनते थे, उन सब के अंदर लिखा जाता था। और ये मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा, हमको पता चला कि किस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट्स को जब हमने स्टडी किया तो इनकी सोसाइटी, इनकी पॉलिटी, इनका रिलीजन कैसा चलता था, राजा किस प्रकार से टैक्स कलेक्ट करता था, इन सब की जानकारी हमको मैन्युस्क्रिप्ट्स के द्वारा ही मिलती है। इनफैक्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स का इंपॉर्टेंस ये था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर जो लैंग्वेज का यूज किया गया था, उससे भी पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस वर यूज्ड, इंक्लूडिंग जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसमें आपके वेरिएशंस भी आते थे। वेरिएशंस का मतलब यह है कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी जो आज लिखी गई है और 2-3 साल के बाद उसी में से किसी ने फर्स्ट कॉपी बनाने की कोशिश की, तो देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। जैसे यहां पे कुछ लिखा है तो एज इट इज कॉपी नहीं होता था, उसका स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो बदल जाता था, उसका मीनिंग तो शायद सेम रहता था, इस तरह से, अगर आप देखिएगा कि कंप्लीट चेंजेस आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर मिलेंगे। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के द्वारा लैंग्वेजेस, किसने लिखा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब के द्वारा, बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ द मैन्युस्क्रिप्ट्स व्हिच वर रिटन बाय हैंड, और ये हाथ से लिखने के आधार के ऊपर जो लैंग्वेजेस के द्वारा अलग अलग चीजों के आधार के ऊपर अगर आप देखोगे तो हमको मिडिवल हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। ये मिडिवल हिस्ट्री की खासियत ही ये थी कि जब मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे तो आज एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है किसी ने, से फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2019 में हाथ से लिख दिया है, और किसी ने एक साल के बाद अक्टूबर 2020 में यही मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से लिखने की कोशिश की, तो वो अपने आप का जो फॉर्मेट है थोड़ा बदल जाता था। और इसी के कारण कि जब मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर छोटे छोटे चेंजेस आए तो यू विल रियलाइज कि आपकी अलग अलग प्रकार की जो राइटिंग स्टाइल है वो भी डेवलप हुई। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रोज में लिखता था, कोई पोएट्री में लिखना शुरू कर देता है, कोई एक्सक्लेम करना शुरू करता है, कोई क्वेश्चनिंग करना शुरू करता है, और इन सब चीज के आधार के ऊपर, बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीजों के आधार के ऊपर आपके जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के बेस के ऊपर से ही इफ यू सी कि कंप्लीटली हम लोग मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री, मिडिवल जो आपकी हिस्ट्रियोग्राफी है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी किया करते थे, और इसी के कारण आपके रीजनल वेरिएशंस भी मिलेंगे, और ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर ही हमको कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री की जानकारी मिली। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर ही कभी कभी मैप भी ड्रॉ किया करते थे, और ये मैप के द्वारा ही हमको पता चला कि भाई इन द मिडिवल एरा कन्नौज वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कन्नौज का सिग्निफिकेंस जो है वो अर्ली मिडिवल में बहुत रहता है, बिटवीन द 3 डायनेस्टीज, द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, द डायनेस्टी ऑफ द गुर्जर प्रतिहार, एंड द डायनेस्टी ऑफ द पाल डायनेस्टी विच यूज टू हैव इन पावर इन बंगाल, उनका पावर बंगाल के ऊपर रहा करता था। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, हम लोग जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने के आधार के ऊपर हमको पूरा का पूरा मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी की जानकारी मिली। अब दिक्कत क्या थी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स कभी कभी लिखा करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को जब हाथ से लिखते थे तो हो सकता था कि उसका ओरिजिनल राइटिंग है वो हमको नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि ये एक मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल है, उनमें से किसी ने लिख दिया, सबसे पहला कॉपी बनाया 5-10 साल के बाद, उनमें से पहले कॉपी में से किसी ने दूसरा कॉपी बनाया, और इस तरह से अगर आप देखिएगा तो ओरिजिनल कॉपी के अंदर जो राइटिंग है वो राइटिंग को हूबहू एज इट इज पेश करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था, और कभी कभी 3 से 4 मैन्युस्क्रिप्ट सेम प्रकार के मिलते थे तो हमको आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कि इनमें से ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसका है, क्योंकि सब के अंदर सेम प्रकार का राइटिंग लिखा जाता था। और इसी के कारण जो मैन्युस्क्रिप्ट की एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करेंगे
जब हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट को सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के रूप में देखेंगे तो उसके कहीं ना कहीं आपको एक इश्यूज देखने को मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस, आपको क्वेश्चन पूछेगा बेटा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग द मिडिवल हिस्ट्री, द मिडिवल हिस्ट्री। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर से जो पोटेंशियल क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पोटेंशियल क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूं। और ये मैन्युस्क्रिप्ट का एडवांटेज क्या है वो हमने पढ़ लिए। अब ये डिसएडवांटेज तो नहीं है, पर मैं चौकस से कह सकता हूं कि देयर कैन बी ए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट को जब मल्टीपल टाइम कॉपी किया जाता होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो वर्जन के अंदर से हमको नहीं पता चलता होगा कि ओरिजिनल ऑथर जो था वो कौन था। और एनसीईआरटी के अंदर ही एक एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी के अंदर ही एक एग्जाम्पल दिया है। एक इंसान है जिनका नाम है जियाउद्दीन बरानी। जियाउद्दीन बरानी ने सबसे पहले 14th सेंचुरी में 1356 में सबसे पहले एक मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइल किया। उसके दो साल के बाद इन द ईयर 1358 उन्होंने फिर से वही के वही मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा। मतलब ये पहली वाली लिखी, उसके बाद ये दूसरी वाली लिखी होगी। और हिस्टोरियंस को तो पहले पता ही नहीं था कि ये जो पहली मैन्युस्क्रिप्ट है और दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट है उन दोनों के बीच में भी बहुत डिफरेंस है, उन दोनों के बहुत ही डिफरेंस है। ये भी चीजें हमको जानकारी मिली। तो मैन्युस्क्रिप्ट टू मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग डिफर होता था। कभी कभी एक ही ऑथर लिखता था तो भी राइटिंग डिफर होता था, कभी कभी दूसरा ऑथर उसको कॉपी करता था तो भी राइटिंग में चेंजेस आएंगे, राइटिंग के स्टाइल चेंजेस होंगे। सबके हैंडराइटिंग तो सेम नहीं होते ना भाई साहब। और उस टाइम पे प्रेस था नहीं कि एज इट इज आपने टाइम्स न्यू रोमन या एरियल क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने हैंडराइटिंग को फिक्स कर दिया, 12 की साइज है, इटालिक्स में है, बोल्ड में कर दिया। ये तो हाथ की कारीगरी थी, सोचिएगा आप लोग। तो कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री आपको ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के द्वारा कैसे जानकारी मिली उसकी भी हमको नॉलेज मिलता है। ये मिडिवल हिस्ट्री है जहां पे सबसे पहली बार द वर्ड हिंदुस्तान वॉज यूज। अब कहते हैं कि द वर्ड हिंदुस्तान कैसे यूज हुआ उसकी जानकारी हमको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया। अब हिंदुस्तान शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। ये कहानी है करीबन 7th एंड 8th सेंचुरी के बीच की। दिस इज द टाइम ऑफ द 7th एंड 8th सेंचुरी एंड दिस पीरियड इज रिलेटेड टू द राइज ऑफ इस्लाम। अब क्यों इस्लाम का राइज, उसके पीछे की कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ यू आर अवेयर दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी यहां से ही जाके आए और कहते हैं कि समटाइम ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी प्रॉफिट मोहम्मद यहां पे हो गए। और प्रॉफिट मोहम्मद की जब हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद की बात करते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस्लाम का मैसेज कैरी कराने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग विस्तार में कहा कि यू कंटिन्यू द मैसेज ऑफ गॉड। और इसके आधार के ऊपर बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ भी आए। और कहते हैं कि करीबन 712 के आसपास का पीरियड था। मतलब ये कौन सा टाइम हो गया, 8th सेंचुरी। प्रॉफिट मोहम्मद कब हुआ करते थे, याद रखिएगा 7th सेंचुरी में। और कहा जाता है कि 712 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम करके एक इंसान थे जो अरब हुआ करते थे, वो इस साइड के ऊपर आए। कहां पे, सिंध के आसपास। और ये अरब लोग थे उन्होंने कहा कि सर इंडस नदी के इस साइड रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंदू कहते हैं। द पीपल लिविंग ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंधु, ईस्ट ऑफ सिंधु। और इस तरह से द अरब्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन
जिन्होंने 8th सेंचुरी के आसपास अपने जो राइटिंग्स लिखे वो राइटिंग्स के अंदर ये शब्द का यूज किया, द वर्ड हिंदुस्तान, समझ में आ रहा है आपको। और इस तरह से हिंदुस्तान नाम का जो शब्द है वो ओरिजिन के ऊपर आया। ये एनसीईआरटी के अंदर ही हमको पता चला कि जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ, व्हेन ही पास्ड अवे, तो उनके फॉलोअर्स के बीच में दो बंटवारे हो गए। और इसके कारण जो इंडिया के ऊपर जो आते हैं, इंडिया के ऊपर जो अलग अलग शासक आएंगे, वो भी अपना रिलीजियस आइडियोलॉजी कैरी करेंगे। प्रॉफेट मोहम्मद के एक डिसाइपल हुआ करते थे अली, और दूसरा कहा जाता था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद कुछ फॉलोअर्स का मानना था कि अली इज द ट्रू डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद और ही शुड बी कंटिन्यूड एज दी आई वुड से दी कैलीफ, जो इस्लाम का मैसेज लेके पूरी दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं, खुदा का मैसेज लेके, गॉड का मैसेज लेके, अल्लाह का मैसेज लेके। और अली को फॉलो करने वाले लोगों को शिया कहा गया और अबू बकर को फॉलो करने वाले लोगों को हम लोग सुना कहते हैं, और ये सुना से ही आपका शब्द सुन्नी आया। इसकी भी हमको जानकारी ये चैप्टर के द्वारा ही मिला। अब ये चैप्टर में हिंदुस्तान नाम का जो शब्द है, हिंदुस्तान नाम का जो शब्द है वो कैसे यूज किया गया है उसकी भी जानकारी मिलती है। ये चैप्टर के अंदर हमको पता चला कि अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का यूज मिडिवल इंडिया में काफी होता है, और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जो रीजनल वेरिएशन आया, जो शब्दों के अंदर माया जाल है वो भी अलग है। पर्शियन मूलभूत रूप से ईरान के अंदर बोली जाती थी, इंडिया के अंदर मुगल कोर्ट्स के अंदर भी बोली जाती थी, लिखी जाती थी अप टिल द ईयर 1835, अगर आपको ना जानकारी हो। 1835 तक, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पावर थी तब तक भी पर्शियन बोली जाती थी। यूरोपियंस इंडिया में आए तो वो पर्शियन लैंग्वेज को साथ में लेके यहां पे यूज करते थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी। ये सब चीजें भी दर्शाती है कि पर्शियन का क्या सिग्निफिकेंस है। अब ये पर्शियन के अंदर ही शब्द यूज किया गया है हिंदुस्तान। ये चैप्टर के अंदर हिंदुस्तान के मल्टीपल आपको इंटरप्रिटेशन दिखेंगे। सबसे पहले पर्शियन के अंदर हिंदुस्तान नाम का शब्द यूज किया था मिन्हाज सिराज ने। ये मिन्हाज सिराज 13th सेंचुरी में था। 13th सेंचुरी का मतलब ये होता है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर उस टाइम पे आपके दिल्ली के सल्तनत थे, और गुलाम वंश जिसे हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं वो पावर के ऊपर थी, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक पावर के ऊपर रहती है। मैंने पिछले क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा बहुत, नेक्स्ट चैप्टर इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मिन्हाज सिराज ने कहा कि हिंदुस्तान नाम का जो शब्द है वो पंजाब हरियाणा और गंगा जमुना के रीजन वाला रीजन को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। तो मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान की जो व्याख्या दी उसने कहा कि सर द वर्ड हिंदुस्तान इंक्लूड्स द दोआब रीजन ऑफ द गंगा यमुना, इंक्लूड्स द दोआब रीजन ऑफ गंगा यमुना। और उसने कहा कि इतना वाला जो रीजन है, खास करके सिंधु और गंगा यमुना के बीच वाला रीजन है, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। उसने ये शब्द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कहा था, और हिंदुस्तान के मीनिंग के अंदर कभी भी उसने साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था। बट उसके बाद 14th सेंचुरी के अंदर आमिर खुसरो नाम के एक पोएट आए। कौन थे? आमिर खुसरो ने भी शब्द हिंद उल्लेख किया है। आमिर खुसरो बाय द वे यूज्ड टू स्टे इन द कोर्ट ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, और बहुत सारे राजाओं के कोर्ट में बैठे, और आमिर खुसरो ने हिंद नाम का शब्द उल्लेख किया। और आमिर खुसरो ने ऐसा कहा कि हिंद जो है हिंदुस्तान है, वो ज्योग्राफी और कल्चरल के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। और आमिर खुसरो का हिंदुस्तान की व्याख्या अलग थी। उसी तौर के ऊपर ये चैप्टर के द्वारा हमको पता चला कि 16th सेंचुरी में बाबर ने भी जब इंडिया के ऊपर कंक्वेस्ट किया, बाबर ने कब किया था? तो 1526 में किया था। और 1526 में जब बाबर ने इंडिया के ऊपर अपना अड्डा जमाया, जब बाबर ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो बाबर ने भी वर्ड हिंदुस्तान का यूज किया है इन हिज बुक कॉल्ड एज बाबर नामा। मैन्युस्क्रिप्ट बेस्ड थी, बट उसमें उसने जो बाबर नामा के अंदर लिखा वहां पे उसने कहा कि द वर्ड हिंदुस्तान इंक्लूड्स द ज्योग्राफी, मेरा पावर इतना है इतना भौगोलिक विस्तार में।
इंक्लूडिंग यहां पे जितने भी लोग रहते हैं। इसके साथ साथ उसने सब कॉन्टिनेंट का उल्लेख किया है, उपमहाद्वीप जो इंडिया के लिए स्पेसिफिक यूज। तो द वर्ड हिंदुस्तान हैज डिफरेंट मीनिंग्स। कोई कहता है हिंदुओं का शहर या हिंदुओं का नगर, नहीं है। इंक्लूडिंग द वर्ड हिंद हैज डिफरेंट मीनिंग्स। और इसी के कारण जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के आधार के ऊपर, तो किसी ने कहा कि सर फॉरेनर नाम का जो शब्द है वो भी अलग अलग मीनिंग रखता है। जैसे हिंदुस्तान का मीनिंग अलग अलग रहा है, द टर्म फॉरेनर ऑल्सो हैज डिफरेंट मीनिंग्स। आई माइट बी फॉरेनर फॉर यू, वाई? बिकॉज आई डू नॉट लुक लाइक यू। आज की तारीख में, पहले के टाइम के अंदर जो सोसाइटी हुआ करती थी उसमें भी ऐसा ही था कि फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर पर्सन हु अपीयर्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म। हो सकता है कि फॉरेनर हम लोग किसी और को भी कह सकते हैं जो अलग रूप रंग में दिखता हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यू विल रियलाइज कि अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे हिंदुस्तान का मीनिंग था वैसा ही मीनिंग फॉरेनर का भी था। कोई शहर में रहने वाला इंसान कहता था कि गांव में रहने वाला इंसान फॉरेनर है। दो किसान अलग अलग गांव में रहते थे पर एक दूसरे को फॉरेनर नहीं कहते थे, ये भी चीजें मिलती रहेगी। तो एनसीईआरटी का जो क्रक्स है उससे हमको ये पता चला चैप्टर नंबर 1 से कि भाई साहब हिंदुस्तान शब्द कैसे यूज हुआ, क्यों हिंदुस्तान का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। मिनाज सिराज कुछ अलग कहता है, आमिर खुसरो कुछ अलग कहता है, बाबर कुछ अलग कहता है। और ओरिजिनली मैंने कहा कि अरब्स जब इंडिया के ऊपर आए तो उन्होंने कुछ अलग इंटरप्रिटेशन इसका दिया था। अब जब मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमने पढ़ा तो ये चैप्टर के द्वारा हमको पता चलता है कि जो जो लोग ने लिखा था इंडिया का हिस्ट्री के बारे में उन्हीं में ही एक इंसान थे जिनका नाम था इद्रिस। क्या नाम था? इद्रिस। और ये चैप्टर को जब हमने एनालिसिस किया तो इद्रिस करके एक इंसान है उन्होंने ट्वेल्थ सेंचुरी के अंदर इंडिया का एक नक्शा बनाया था। और जब ये मैप बनाया गया था तो बेस्ड ऑन दिस मैप, ये मैप के आधार के ऊपर उन्होंने अरबिक के अंदर कन्नौज नाम के शब्द का उल्लेख किया हुआ था। किसका? कन्नौज का। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि मिडिवल इंडिया में और अर्ली मिडिवल इंडिया में कन्नौज को लेके काफी फाइट हो चुकी थी बिटवीन द राष्ट्रकूट, बिटवीन द पाल डायनेस्टी एंड द गुर्जर प्रतिहार, जो मैंने आपको ओवरव्यू के चैप्टर में बताया था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बताऊंगा। ये चैप्टर के अंदर हमको दूसरे ये मैप की भी जानकारी मिली। ये जो दूसरा मैप है, द सेकेंड मैप दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, बिलोंगिंग्स टू 18th century। और ये 18th century में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने ये भारत का नक्शा बनाया था। इफ यू कैन सी दिस मैप, तो यहां पे इंडिया की ज्योग्राफी को दिखाया गया है, किस तरह से इंडिया की ज्योग्राफी को डिटेल्ड वे के अंदर एक्सप्रेस किया गया है। और इसी से ही हम लोग अज्यूम कर सकते हैं बाय स्टडिंग दिस मैप कि बाय 18th century पीपल हैड नॉलेज टू मेक द मैप्स। उनको उतना ज्ञान आ चुका था कि नक्शा कैसे बनाया जाता है। ये जो मैप है ये मैप थोड़ा उल्टा फुल्टा आपको दिखेगा, दिस विल नॉट लुक लाइक इंडिया, क्योंकि ये उल्टा मैप है। एक्चुअली ये आपका साउदर्न पेनिनसुला है, दिस इज द श्रीलंका, और इसको आप रोटेट करोगे तो आपको दिखेगा कि श्रीलंका ये है और ये आपका तमिलनाडु वाला रीजन है, यूं जा रहा है। अगर आप देखिएगा ये इंडिया यूं जा रहा है, बट 12th century में नक्शे की जानकारी नहीं थी। 18th century तक आते आते गूगल मैप बन गया है। और ये फ्रेंच लोगों ने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स कंपाइल की थी, उन्होंने जो राइटिंग्स कंपाइल किए थे, उसके द्वारा ये चीज हमको मिलती है। सबसे पहला मैप मैंने आपको बताया इद्रिसी या इद्रीस करके एक इंसान हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया को लेके बनाया था। और ये मैप के अंदर उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज के अंदर कन्नौज नाम के शब्द का उल्लेख किया है। कन्नौज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर द पीरियड बिटवीन 750 to 1000 की जब हम लोग बात करेंगे तो जितने भी डायनेस्टीज थी दे वर ऑल फाइटिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। ये मैप एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है 1154 के अंदर बना था, और ये 12th century के अंदर भी बना था। और इस दौरान तो आपके दिल्ली के राजा भी नहीं आए थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दिल्ली के राजा आने शुरू हुए 1200 के आसपास, और ये मैप बना है 1154 के अंदर।
और ये चीजें भी हमको दर्शाती है कि इवन इन द 1154 पीरियड देयर वाज सिग्निफिकेंस ऑफ कन्नौज। दूसरा ये मैप के द्वारा हमको पता चलता है, ये मैप के द्वारा हमको पता चलता है कि अरब लोग उस टाइम पे कन्नौज की तरफ आए होंगे, इंडिया के अंदर आए होंगे, और इसके कारण ही उन्होंने ये मैप बनाया। ये मैप फिर एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस के अंदर डाल दिया। दूसरा एक मैप मैंने आपको बताया 18 सेंचुरी में बना, और खास करके अगर आप देखोगे तो गुलामी डी आले करके एक इंसान थे, उन्होंने ये बनाया था, एटलास नोवयू करके एक बुक थी। पहला मैप बना था 1154 के अंदर, दूसरा मैप बना था आपका 1720s में, 600 साल के बाद। और ये 600 साल के बाद अगर आप देखेगा कि ये मैप के आधार के ऊपर जितने भी यूरोपियंस इंडिया के अंदर आए, जैसे यहाँ पे आए सूरत, जैसे यहाँ पे आए मसूलीपट्टनम, इन सब की जानकारी भी यूरोपियंस को यही मैप ने दिया होगा। भाई साहब ये चीज़ दर्शाती है कि मैप का साइंस कितना डेवलप हो गया था इन द मिडिवल एजेस। आज तो हम लोग कहाँ पे आ गए, गूगल मैप के ऊपर आ गए, बटन दबाते ही पूरी दुनिया दिख जाती है, पहले तो नहीं दिखता था। साइंटिफिक डेवलपमेंट ये मिडिवल इंडिया को दर्शाता है। यू विल ऑल्सो फाइंड कि ये मैप के आधार के ऊपर जो अलग अलग थिंकिंग थी उसकी भी जानकारी मिलती है एज अ पार्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का सिग्निफिकेंस आपको पूछेगा तो यू आर सपोज टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स। अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पूछा गया तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में ये सब के सब पॉइंट्स आपको बेटा दिखाने हैं। ये चैप्टर के अंदर हमको दूसरी भी जानकारी मिली और सोसाइटल चेंजेस कैसे हुए उसकी भी जानकारी मिली। और प्रीवियस क्लास के अंदर अगर हमने स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि बाय द पीरियड ऑफ गुप्ता द फ्यूडलिज्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, और फ्यूडलिज्म के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि लैंड ग्रांट्स मतलब जमीन को जो ग्रांट के रूप में देने की शुरुआत हो गई थी राजा के द्वारा, और इसके कारण जब लैंड ग्रांट्स का एक्सपांशन हुआ तो एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होता है। अब एग्रीकल्चर का एक्सपांशन तभी होगा जब आपके पास इरिगेशन अच्छा होगा, और राजा चाहेगा और पब्लिक चाहेगी कि खेती में एग्रीकल्चर में जितना ग्रोथ हो उतना ही आगे डेवलपमेंट हो पाएगा। और इसी के कारण हमको जानकारी मिलती है कि इन द मिडिवल एजेस आपके अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुए। जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो राजा को रेवेन्यू आई, जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ रेवेन्यू आई, राजा ने पैसा खर्च करना शुरू किया, और जब पैसा खर्च करेगा तो आपकी आर्मी भी मॉडर्नाइज होगी। और इसी के कारण इन दिस पीरियड ऑफ मिडिवल एरा वी फाइंड पर्शियन व्हील। ये पर्शियन व्हील ईरानियन टेक्निक हुआ करती थी, इसे अरघट्टा भी कहते हैं। ये अरघट्टा की खासियत ये थी कि इरिगेशन की आपकी जो टेक्निक है उसमें मदद करता है। इंक्लूडिंग मिडिवल इंडिया में ये 750 टू 1000 तक का पीरियड था, बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया की तरफ आएंगे, और जो लोग आएंगे इंडिया की तरफ तो उन्होंने इंडिया के अंदर अपने अपने कल्चर्स लाने शुरू कर दिए। जैसे पोटैटो पोर्चुगीज लेके आए, कॉर्न चिलीज पोर्चुगीज लेके आए, टी कॉफी और यूरोपियंस लेके आएंगे क्योंकि दे आर नॉट इंडिजिनस टू इंडिया। आप आलू खाते हो ना, आलू इज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया। और इस तरह से इंडिया के अंदर जब इनका आगमन हुआ, अलग अलग दिल्ली सल्तनत के राजा आए, मुगल्स आए, यूरोपियंस आए, इन सब ने अपना अपना जो कल्चरल चेंजेस थे वो भी इंडिया में लाने शुरू कर दिए। जैसे एनसीईआरटी में ये मैप दिया है पर्शियन व्हील का, ये पर्शियन व्हील ऐसा व्हील हुआ करता था जिसके शाफ्ट के साथ एक ब्लॉक कार्ट को या बुल को ज्वाइन कर दिया जाता था, और जब ये बुल इसके गोल गोल आजू बाजू में घूमता था कैटल, तो ये कुएं के साथ ज्वाइन हुआ करता था। इट वॉज कनेक्टेड टू अ वेल एंड अ बकेट, और होता यह था कि जब ये बुल या आपका कैटल इसके गोल गोल घूमेगा कुएं के आजू बाजू में, तो ये जो बकेट है ये वेल के अंदर जाएगी, वहां से पानी लिफ्ट करेगी और पानी को बाहर लाके चैनल्स के अंदर थ्रो करेगी। ये चैनल्स के द्वारा आपका इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ था। पुराने टाइम के अंदर आपका इरिगेशन का उतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, बट द मिडिवल एजेस वर रिवॉल्यूशनरी, ये जानकारी हमको चैप्टर नंबर 1 देता है। अब चैप्टर नंबर 1 में आपको और जानकारी मिलती है हमको जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आपकी सोसाइटल चेंजेस के अंदर, और सोसाइटी के साथ साथ आपके पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए उसकी भी जानकारी मिली। जब हम लोग सोसाइटल चेंजेस की बात करते हैं
तो मैंने आपको बताया कि जब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हुआ, जब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हुआ तो बहुत सारे लोग खेती के अंदर जाना शुरू करते हैं, और जब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होता है तो आपका जंगल वाला विस्तार भी क्लियर होगा। जब जंगल वाला विस्तार क्लियर होगा तो इवेंचुअली आपके जो पीजेंट्स है, बड़े बड़े पीजेंट्स है, वो उभर के आए, और जो बड़े बड़े पीजेंट्स उभर के आएंगे वो लोग इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो उस टाइम का जो स्टेट था, मिडिवल इंडिया के जो राजा थे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको कहेंगे कि आप हमारे लिए फलाना करो, आप हमारे लिए ढिमका करो, आप हमारे लिए पॉलिटिकल चेंजेस लेके आओ, आप हमारे लिए इकोनॉमिकल चेंजेस लेके आओ। और इसी के कारण जो एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होता है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एडवांसमेंट, तो पीजेंट कम्युनिटी के हाथ में पॉलिटिकल पावर आने की कोशिश की जाएगी। और इसी के कारण ये चैप्टर हमको जानकारी देता है कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजेंट ग्रुप्स थे, ये पीजेंट ग्रुप्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने स्टेट, मतलब उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पावर था, वो पॉलिटिकल पावर को कैसे कैप्चर किया जाएगा उसको लेके अपनी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी। You will realize कि ये जो नए के नए पीजेंट ग्रुपिंग्स थे जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, इसी के ही कारण ये पीजेंट लोग अलग अलग प्रकार के काम करना शुरू करते हैं। कुछ पीजेंट्स के ग्रुप से precisely you will see कि इन्होंने अपने अपने सोशल ग्रुपिंग्स बनाने शुरू कर दिए, और जब सोशल ग्रुपिंग्स बनाने शुरू हो गए तो विद इन दिस पीजेंट कम्युनिटी एक पीजेंट ने कहा कि सर मैं बहुत अमीर पीजेंट हूँ, और मैं अमीर पीजेंट हूँ तो मैं सोसाइटी में सबसे ऊपर रहूँगा। दूसरा पीजेंट कहता है कि सर मैं मिडिल क्लास का पीजेंट हूँ, और इसके लिए मुझे सोसाइटी में नीचे रहने की या बीच में रहने की शक्यता है। तीसरा पीजेंट कहता है कि सर मैं बहुत गरीब पीजेंट हूँ, और ये गरीब पीजेंट को कहा गया कि तू सोसाइटी में सबसे नीचे रहेगा। और ये सब पीजेंट ग्रुपिंग्स जितने भी उभर के आए, किसान के जो वर्ग थे, ये सब के सब किसानों ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया और अपने आप को कहा कि मैं अमीर पीजेंट हूँ, मैं फलानी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। इसने कहा कि मैं मिडिल क्लास का पीजेंट हूँ, मैं अमीर जैसा हूँ बट उसका सब कास्ट से बिलोंग करता हूँ। और ये जो कास्ट एंड सब कास्ट है, इसी को ही शब्द यूज क्या कहते हैं, जाति। और इसी का ही आउटकम था कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमको पता चला कि इंडिया के अंदर सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आए, किसी ने एग्रीकल्चर में भाग लिया, किसी ने ट्रेड एंड कॉमर्स में भाग लिया, किसी ने आर्टिजन्स के अंदर भाग लिया, कोई राजा अपने आप को और मजबूत करता है, पंडित कहता है कि तुमको ये काम करना है, और इसी के आधार के ऊपर बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड एंड बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशंस द सोसाइटी वॉज ग्रुप्ड इन द नंबर ऑफ जातीज। ये नंबर ऑफ जातीज धीरे 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 करके आपकी प्रोलिफरेट होती रहेगी, और इस सब के बेसिक के ऊपर, इन सब के बेसिस के ऊपर अगर आप देखेगा तो कंप्लीटली इंडियन सोसाइटी का रिवैम्प होने की शुरुआत हो जाती है। ये चीज हमको चैप्टर नंबर 2 के द्वारा ही पता चलती है। ये जाति या आपकी सोसाइटी थी, उसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो चैप्टर नंबर 1 हमको ये भी बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हायरार्की में थे उनके रैंक फिक्स नहीं हुआ करते थे। उनके रैंक फिक्स ना होने का मतलब ये होता था कि उनका जो पावर है वो कभी ना कहीं मोबिलाइज होता था। एट टाइम्स ये बताता है कि कोई भी इंसान फलानी एक जाति से बिलोंग करता है, जैसे कोई एक इंसान है जो बंगाल में अपर जाति से बिलोंग करता है, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वही इंसान महाराष्ट्र के अंदर लोअर जाति से भी बिलोंग करेगा। और इस तरह से मिडिवल इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के जाति या कास्ट का डेवलपमेंट हुआ। ये कास्ट और जाति के आधार के ऊपर हमको पता चला कि जितने भी आपके जाति आधारित जो फॉर्मेशन हो रहे थे उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनने शुरू हो गए, इंक्लूडिंग ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एक असेंबली ऑफ एल्डर्स, मतलब जो बूढ़े लोग थे वो बनाते थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं जाति पंचायत। और अगर किसी ने जो जाति पंचायत के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो उसको अगर आप देखोगे तो पनिश भी किया जाता था, इसकी भी जानकारी हमको इसके द्वारा मिलती। कहते हैं कि हर एक गाँव के अंदर अलग अलग जाति
के आधारित लोग रहना शुरू करते हैं, पीपल विल स्टार्ट टू सेग्रीगेट। से फॉर एग्जाम्पल ये विलेज है, ये विलेज के अंदर कोई एक विस्तार में ये जाति वाले रह रहे हैं, दूसरे एरिया में कोई फलाना जाति, ये ए जाति है, ये बी जाति है, ये सी जाति है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के जाति आधारित सेग्रीगेशन करना शुरू हो गया, और इस तरह से आपके विलेजेस के अंदर भी आपको अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखिएगा तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमको पता चलता है वो है पॉलिटिकल पावर का। और पॉलिटिकल पावर में हमको जानकारी मिली कि इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज धीरे धीरे उभर के आई, जैसे राजपूत उभर के आए, जैसे मराठा उभर के आए, जैसे सिख उभर के आए, जाट का डेवलपमेंट हुआ, इंक्लूडिंग अहोम जो आसाम के अंदर रहते थे ट्राइबल एरियाज में, उनका कैसे ग्रोथ हुआ। और इसके साथ साथ कायस्थ, वो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे। मैंने आपको बताया कौन लिखता था मैन्युस्क्रिप्ट, तो कायस्थ कम्युनिटी, उन सब का डेवलपमेंट हुआ। और चैप्टर नंबर 1 में हमको पता चला कि ये जो जितने भी कास्ट एंड सब कास्ट उभर के आई, उनमें से ही राजपूत कास्ट, मराठा कास्ट, ये सब ऐसी कास्ट है जो पावर के ऊपर आती है एज ए क्षत्रिय, वो पावर के ऊपर आएगी, वो अपने आप को किंग के रूप में एस्टेब्लिश करेगी। एंड अंडर दिस चैप्टर नंबर 1 ओनली वी केम टू अंडरस्टैंड दैट द राजपूत कम्युनिटी कैसे उसका ओरिजिन हुआ। और ये चैप्टर हमको बताता है कि जब अलग अलग विस्तार में लोग ट्रैवल करना शुरू करते हैं, उसी के ही आधार के ऊपर एक कम्युनिटी पावर के ऊपर आई जिसका नाम था राजपूत। अब राजपूत कौन थे, तो यहां पे लिखा गया है कि द नेम राजपूत वॉज डिराइव फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब लिखा है द सन ऑफ अ रूलर, कि शासक का बेटा शासक, राजा का बेटा राजा। और कहते हैं कि द वर्ड राजपूत वॉज यूज बाय द हिस्टोरियंस इन द मैन्युस्क्रिप्ट बिटवीन द 8th एंड द 14th सेंचुरी, मतलब 8वीं और 14वीं सदी के बीच में राजपूत नाम का शब्द इतिहासकारों ने यूज किया था। और कहा जाता है कि आपकी जो कास्ट सिस्टम उभर के आई, जहां पे आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट साथों साथ चल रहे थे, उसी में ही क्षत्रिय कास्ट के साथ जुड़े हुए लोगों को राजपूत का स्टेटस दिया गया, और कहा गया कि ये लोग वॉरियर कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमको ये बताता है कि खाली राजा को ही हम लोग राजपूत या क्षत्रिय नहीं कहते थे, बट ये चैप्टर हमको बताता है कि नॉट जस्ट रूलर एंड चीफ्टियंस, द राजपूत ऑल्सो इंक्लूड द सोल्जर्स एंड द कमांडर्स। मतलब ये है कि राजपूत खाली राजा ही नहीं हुआ करता था, राजा का सैनिक को भी राजपूत कहते थे, राजा की सेना के सेनापति को भी राजपूत कहते थे। और कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे जो मोनार्क्स उस टाइम पे छोटे छोटे जो डायनेस्टीज पावर के ऊपर आए, उनके बहुत सारे जो सोल्जर्स राजपूत कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए, उसकी भी जानकारी हमको एनसीईआरटी बताता। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के द्वारा राजपूत लोगों की बहादुरी की भी बात की गई है, और आपने उनके बारे में बहुत सारी कविताएं पढ़ी भी होगी। जैसे कहा गया है कि बलिदान देना उनका क्षत्रिय धर्म का भाग था, वो भी जानकारी हमको मिलता है। इंक्लूडिंग राजपूत के बारे में बहुत सारे कवियों ने, पोएट्स ने और बार्ड्स ने हिस्ट्री के अंदर अपना जो किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उसकी भी जानकारी हमको ये चैप्टर नंबर 1 देगा। तो विद इन दिस चैप्टर नंबर 1 वी गेट टू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट किंग्स, एंड विद इन दिस किंग्स द राजपूत किंगडम्स के बारे में जानकारी दी। ये राजपूत किंगडम्स कब पावर के ऊपर थे, तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बता दिया था, द पीरियड बिटवीन 1000 to 1200, इज नोन एज द पीरियड ऑफ द राजपूत हिस्ट्री। और ये राजपूत किंगडम्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था मैप ड्रॉ करके कि दिस राजपूत किंगडम्स यूज टू स्टे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और इनके बीच में अलग अलग डायनेस्टीज थी। एक थे गुर्जर प्रतिहार, एक यहाँ पे गुजरात में सोलंकी, एमपी में परमार, उसके ऊपर चंडेल डायनेस्टी, उसके भी आजू बाजू में अगर आप देखने की बात करोगे तो आपको चौहान, दिल्ली में तोमर, और उसके साथ साथ कन्नौज में गढ़वाल डायनेस्टी थी। ये जितने भी राजपूत किंगडम्स थे, इन सब का हिस्ट्री के बारे में ही आपको ये चैप्टर के अंदर भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो यू विल सी कि सोसाइटी, पॉलिटी,
किस तरह से डेवलप हुए, किस तरह से चेंज हुआ मिडिवल इंडिया में, उसकी जानकारी चैप्टर नंबर 1 बताता है। ये चैप्टर नंबर 1 को जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हमको पता चला कि बड़े बड़े स्टेट्स फॉर्म होने शुरू हुए। ये बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर आपकी जो दिल्ली के सुल्तान है, दिल्ली के एक सुल्तान है जिनका नाम है बलबन, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब दिल्ली के सुल्तान में बलबन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो उसका टाइम फ्रेम यहां पे दिया है 1266 से लेकर 1287 के बीच। एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो हमने थोड़ी देर पहले ही आपको टाइमलाइन पढ़ाई और मैंने आपको बताया कि दिल्ली के सुल्तान्स में जो सबसे पहले डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से लेकर 1290 तक के पीरियड के बीच में पावर में रहती है, और बलबन इन्हीं के ही डायनेस्टी का एक राजा था। और एनसीईआरटी कहती है कि बलबन ने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। अब बलबन का सोर्स हमको कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दिया, पर एक प्रशस्ति ने दिया है। अब प्रशस्ति तो वॉज द वर्ड विच वॉज यूज इन एंशियंट इंडिया, प्रशस्ति वॉज द वर्ड विच वॉज यूज इन एंशियंट इंडिया। एंड यू विल रियलाइज कि संस्कृत के अंदर प्रशस्ति लिखी गई थी, प्राचीन भारत की जैसे लिखी जाती थी, मिडिवल में भी थोड़ी बहुत यूज हुई। और बताया कि बलबन का जो डेवलपमेंट था वो दिल्ली से लेके आपका गजनी तक था, गजनी मतलब आपका अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग साउथ इंडिया मतलब द्रविड़ रीजन, इंक्लूडिंग बंगाल, गौड़ डायनेस्टी, इन सब की बात किया है। ये सब चीजें दर्शाती है कि बलबन ने कितना बड़ा एम्पायर बनाया था। और एनसीईआरटी की कहती है कि राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जब बलबन ने अटैक किया होगा तो बहुत सारे लोग भाग गए, क्योंकि ये प्रशस्ति के बारे में हमको बताया गया। ये प्रशस्ति संस्कृत के अंदर लिखी गई थी और इसके आधार के ऊपर मिडिवल इंडिया का स्लेव डायनेस्टी के एक राजा के बारे में मेंशन किया गया है। यू विल सी कि एनसीईआरटी में ये मैप दिया हुआ है, ये मैप में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को दिया हुआ है नंबर के साथ। ये मैप को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप घर पे बैठ के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में ही दिया है। वहां पे जैसे ये नंबर 19 है तो नंबर 19 के साथ आपको शायद पूछ सकता है कि ये कौन सी जगह है, एंड यहाँ पे गुजरात लिखा है। उसी तरह अगर आप देखोगे नंबर 20 है, यहाँ पे दो डबल एक्स लिए हुए है, तो ये रोमन नंबर है, तो यहाँ पे देवगिरी लिखा है। तो आपको पूछेगा कि भाई ये फलानी जगह कहाँ पे आई, ये जगह कहाँ पे आई, और बलबन का हिस्ट्री के साथ ये मैप का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपको इतना पॉइंट भी पता होना चाहिए। अब जब इतना बड़ा एम्पायर बन रहा था तो एम्पायर के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी यूज हुआ, और मल्टीपल लैंग्वेजेस के बारे में हमको किसी ने जानकारी दी, उसका नाम था आमिर खुसरो। आमिर खुसरो कौन था, तो मैंने आपको इसके साथ थीमेटिक वे के अंदर पढ़ाया कि जब दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी और तुगलक डायनेस्टी पावर के ऊपर थी तो उस दौरान आमिर खुसरो इनकी कोर्ट में अंदर रहा करता था, इंक्लूडिंग अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी मिलेगा आपको। और आमिर खुसरो ने 1318 के अंदर इंडिया के अंदर अलग अलग जो लैंग्वेजेस यूज की जाती है उसके बारे में उसने मेंशन किया। आमिर खुसरो की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है, ही वॉज अ सूफी फॉलोअर, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और आमिर खुसरो ने कहा कि सर नॉर्थ के अंदर सिंधी, लाहौरी और कश्मीरी बोली जाती है ये वाले रीजन में। उसके बाद उसने कहा कि साउथ के अंदर द्वार समुद्री और तेलंगानी लैंग्वेज यूज होती है, खास करके ये वाले रीजन। उसने कहा कि गुजरात वाले रीजन में गुर्जरी यूज होती है, तमिलनाडु में मलाबारी लैंग्वेज यूज होती है, बिहार में गौरी, यूपी में अवधी, और दिल्ली के आजू बाजू में हिंदवी लैंग्वेज का यूज हुआ। आमिर खुसरो ने वहां तक कहा कि अब संस्कृत जो है वो बहुत लिमिटेड लोग यूज करते हैं और संस्कृत अब बहुत पुरानी भाषा लगती है। तो एंशियंट इंडिया में हमने पढ़ा था कि आपकी प्राकृत और संस्कृत का यूज बहुत होता था। इन द एंशियंट इंडिया वी हैड स्टडीड द यूज ऑफ प्राकृत एंड संस्कृत वॉज मोर, बट इन द मिडिवल इंडिया वी कम टू नो वाया द राइटिंग्स ऑफ आमिर खुसरो इन हिज मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट द यूज ऑफ अदर लैंग्वेजेस हैज इंक्रीज्ड। तो कभी कभी मैथ द फॉलोइंग के अंदर पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेजेस का यूज हुआ, आमिर खुसरो ने अपनी राइटिंग्स में कौन सी लैंग्वेजेस का मेंशन किया है, तो पूछ सकता है आपको। इंक्लूडिंग इसके दौरान अगर आप देखिएगा कि बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज जब पावर के ऊपर आई तो सबकी सब डायनेस्टीज पावरफुल नहीं रहती है, कुछ डायनेस्टीज अपने आप को बहुत एक्सपांड कर पाएंगी। जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग देखेंगे तो खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी काफी पावरफुल रहती है कंपेयर टू द अदर डायनेस्टी। मुगल्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो अकबर जैसा किंग जो 1556 से लेके
1605 तक पावर के ऊपर है और काफी एस्टेब्लिश कर पाएगा, बट 1526 से लेके 1530 तक जब बाबर पावर के ऊपर रहेगा तो बाबर कुछ ज्यादा नहीं कर पाता है, उसकी जानकारी भी एनसीईआरटी कहता है। एनसीईआरटी कहता है कि द डायनेस्टीज लाइक द चोलास हु वर इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, द खिलजीज, तुगलक्स एंड द मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज पान रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स, बट इंस्टेड ऑफ द एम्पायर्स दे वर नॉट स्टेबल एंड सक्सेसफुल। और इसी की ही जानकारी देता है कि इन मिडिवल इंडिया नॉट ऑल डायनेस्टीज वर पावरफुल, नॉट ऑल डायनेस्टीज वर गेटिंग द डिजायर्ड सक्सेस, इसकी भी जानकारी हमको एनसीईआरटी ही बताता रहता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी यहाँ पे ही कंक्लूड करता है कि जब आपका मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ अराउंड 18th सेंचुरी, क्योंकि 1707 में औरंगजेब जब मृत्यु होता है, औरंगजेब का टाइमलाइन अगर आपको जानकारी होगी तो 1658 से लेके 1707 तक का पीरियड था, एंड व्हेन औरंगजेब पास्ड अवे तो उसके बाद 18th सेंचुरी तक आते आते छोटे-छोटे किंगडम्स जो है वो उभर के आएंगे, इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स विल टेक प्लेस। रीजनल स्टेट्स 18th सेंचुरी के अंदर उभर के आए, और कहा जाता है कि मुगल्स की जो लेगेसी थी वो ये सब के सब छोटे-छोटे किंगडम्स के अंदर देखने को मिलती है, और इसी के कारण 700 से लेकर 1750 के बीच में जो चेंजेस हुए उन सब की इंपैक्ट आपको ये लेटर 18th सेंचुरी के टाइम के अंदर भी मिलेगी। लास्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी फोकस करती है कि इंडिया में उस टाइम पे अलग अलग रिलीजन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। मैंने आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर बात किया था कि एंशिएंट इंडिया के अंदर आपकी भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था, जहां पे लोग भगवान के साथ डिवाइन वे के अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसी के ही कंटिन्यूएशन में भक्ति मूवमेंट और आगे चलता है और नए नए भगवान की मूर्तियां बनती है, इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो टेंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जब इस्लाम इंडिया के अंदर आया तो उसका भी टीचिंग्स आपको मिलेगा। ये चैप्टर के अंदर ही हमको पता चला कि जब भक्ति मूवमेंट का शुरुआत हुआ तो बहुत सारे राजा, बहुत सारे पावरफुल लोगों ने एक एक विशेष संप्रदाय को, एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी को जोड़ना शुरू कर दिया, एंड दिस इज हाउ द भक्ति ऑल्टर्ड द इंडियन सोसाइटी। भक्ति सेंस उभर के आए, किसी ने निर्गुण भक्ति किया, किसी ने सगुण भक्ति किया। निर्गुण भक्ति का मतलब यह होता है दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, सगुण भक्ति का मतलब ये होता है कि दे बिलीव इन आइडल वर्शिप। सबके अलग अलग अपने अपने प्रकार की भक्ति की शुरुआत हो गई, एंड ब्राह्मण्स का सिग्निफिकेंस काफी बढ़ जाता है। और एनसीईआरटी का ही चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे, आज तो 1 नंबर की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तो उसके अंदर आपके भक्ति सेंट्स की बात की गई है। इसी दौरान मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर इस्लाम का भी डेवलपमेंट हुआ। क्यों डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट्स और मर्चेंट्स के रूप में आए, लेटर ऑन रूलर्स के रूप में आए, उन सब ने इस्लाम इंडिया की तरफ लेके आए। और इस्लाम के अंदर अगर आप देखोगे तो कुरान, विच वॉज अ मैसेज विच वॉज गिवन बाय अल्लाह टू प्रॉफेट मोहम्मद, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके जो टीचिंग्स है, वो धीरे 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 अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे। इट इज सेड कि इस्लाम के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद इस्लाम गॉट डिवाइडेड इंटू टू कम्युनिटीज, वन वॉज द शिया कम्युनिटी एंड अदर वन वॉज द सुन्नी कम्युनिटी। उसके पीछे का कारण क्या था तो मैंने अभी आपको बताया कि इस्लाम के अंदर जब प्रॉफेट मोहम्मद का डेथ हो गया, उसके बाद उनके फॉलोअर्स थे, एक फॉलोअर्स ने कहा कि हम लोग अली को उनके सही वंशज मानते हैं, किसी ने कहा कि नो हम लोग अबू बकर और दूसरे जो खलीफा है उनको हम लोग सही वंशज मानते हैं। इसके कारण इस्लाम में अलग अलग ओरिजिन डेवलपमेंट हुए, और इंडिया में भी यही हुआ कि जितने भी लोग शासक के रूप में आए वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इस्लाम का इंटरप्रिटेशन करेंगे। और इसी की ही जानकारी आपको ये चीज भी बताती है। अली के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सुनी किसे कहते थे उसके बारे में बता दिया, उसके बाद विद इन आपकी जो शिया कम्युनिटी है, सुनी कम्युनिटी, उसमें भी अलग अलग संप्रदाय बने, जैसे हनाफी, शफी, वहाबी, उस तरह से अलग अलग आइडियोलॉजी आपको मिलती रहेगी, जो सूफीज के अंदर देखने को मिलेगा, और इस तरह से आपके इंडिया के अंदर चेंजेस आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हिस्ट्री को पढ़ा गया तो ये हिस्ट्री पढ़ा था किसने? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। और एनसीईआरटी कहती है कि कंप्लीट जो हिस्ट्री है
उसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को कैसे पढ़ा, उन्होंने कहा कि राइट फ्रॉम द ओरिजिन टू 750 सीई, ओरिजिन टू 750 सीई इज नोन एज द हिंदू हिस्ट्री, क्योंकि इस दौरान आपके हिंदू किंग्स हुआ करते थे। 750 से लेके 1750 तक का जो पीरियड है वो मुस्लिम हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इस्लाम का ओरिजिन हो गया था, इस्लाम इंडिया में आया था, रूलर्स भी इस्लाम को फॉलो करते थे। और 1750 ऑनवर्ड से ब्रिटिश हिस्ट्री है जिसे हम लोग मॉडर्न कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो एनसीईआरटी कहती है कि आप जो भी चीज को अगर आप देख रहे हो तो डोंट सी फ्रॉम दिस टाइमलाइन कि हिस्ट्री को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एंशियंट इंडिया हिस्ट्री जो है वो हिंदू हिस्ट्री है, मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री जो है वो मुस्लिम हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जो है वो ब्रिटिश हिस्ट्री है, वो रबिश चीज है। क्योंकि रिलीजन के साथ साथ ये जो पीरियड है, द पीरियड फ्रॉम 750 टू 1750, उसमें बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, और इस तरह से डिवाइड करना सोसाइटी को बहुत ही खराब बात है। और इसी के कारण अगर आप कोई भी चीज़ को हिस्ट्री के अंदर पढ़ना चाहते हो तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड द इकोनॉमिकल फैक्टर्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एंड थिंकिंग कि यार हिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें हो सकती है और क्या चीज़ें नहीं हो सकती। स्टेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, पीजेंट्स कैसे चेंज हुए, रिलीजन में कितने डिफरेंसेस आए, उन सबको देखना पड़ता है। खाली हिंदू मुस्लिम करोगे तो गलत बात होगा। और इसी के कारण ये कहता है कि वी नीड टू थिंक अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, डोंट सी फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। और मिडिवल हिस्ट्री को आप ऐसे नहीं देख सकते, यही चीज एनसीईआरटी हमको समझाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड को आप कॉन्ट्रास्ट करते हो, ये भी चीज गलत है। क्योंकि ये कहता है कि मॉडर्निटी डज नॉट मीन्स ओनली मटेरियल प्रोग्रेस, मॉडर्निटी ऑल्सो सीम्स इंटेलेक्चुअल। मिडिवल इंडिया में भी काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल चेंजेस हुए थे, 18th सेंचुरी और 11th सेंचुरी में बहुत चेंजेस थे, एंड वी कैन नॉट सी दिस थिंग फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। यही चीज़ आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के अंदर कंक्लूड करती है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। एनसीईआरटी को जब पढ़ोगे तो एनालिसिस करो कि यहाँ से क्यों इस तरह के स्टेटमेंट्स को लिखा गया है, और जब इनका डिक्लाइन हुआ और मिडिवल इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने यही कहा कि अगर मिडिवल इंडिया इतना मुस्लिम डोमिनेटेड और इतना पुअर और बैकवर्ड होता तो यूरोपियंस इंडिया आते ही नहीं। यही चीज़ हमको समझाती है कि यूरोपियंस का आगमन वो मिडिवल एज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था, और इंडिया के अंदर ठीक ठाक पैसा था, माला माल थे, इसके कारण ही हम लोग आए। और इस तरह से आपका मिडिवल इंडिया का चैप्टर नंबर 1 जो एनसीईआरटी का है वो कंक्लूड होता है। मैंने आपको खाली ओवरव्यू दिया है कि एनसीईआरटी में से कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे लाने हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आई वेलकम यू ऑन माय प्लस कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त पीएन लाइव यूज़ कीजिएगा, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, आपके 2 पैसे भी बच जाएंगे। अगले क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। आई विल रिकमेंड कि आप वो चैप्टर पढ़ के यहाँ पे आइए तो इट विल बी मोर इजी फॉर मी, और आपको भी ज़्यादा इजी समझ में आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। जिनको भी PDF चाहिए उनको सब्सक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर मिलेगा, आपको क्लिक कीजिएगा, PDF मिल जाएगा आपको। साथों साथ दो स्टूडेंट्स जिनको सब्सक्राइब करना है उनको सब्सक्रिप्शन की लिंक भी मिल जाएंगी। और इंक्लूडिंग आई वुड रिकमेंड कि आप हमको फीडबैक फॉर्म दीजिए, फीडबैक फॉर्म की भी लिंक वहाँ पे ही है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा फीडबैक के ऊपर, एंड प्लीज़ गिव यूर वैल्यूएबल फीडबैक, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन एनी फॉर्म। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।